आइए दोस्तों आप लोग के बीच दिग्गज बिहार प्रदेश के नाचपति पूर्व राइटर मस्ताना श्री बखई राय जी का आज की रात शुभ विवाह में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम हाजिर है और आज की रात हाजिर रहेगी। हाँ तो आप लोग के बीच हमारे सभी डांसर कलाकार माँ देवी दुर्गा आदिवानी शक्ति की झांकियां साईं बाबा की झांकियां लेकर आई और आई है राष्ट्रीय देशभक्ति गीत लेकर। एक प्रस्तुतियां 5 मिनट का चलेगा, उसके बाद अगले कार्यक्रम की ओर बढ़ेंगे। तो आइए दोस्तों आप लोग के बीच में ये साबित कर देना चाहता हूँ कि हमारे सभी डांसर कलाकारों में कितना जज्बा जुनून है। तो आइए आप लोग के बीच में साबित करना चाहता हूँ कि हमारे सभी डांसर कलाकार एक कदम पीछे चले। सर भरोसे की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सर भरोसे की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजियों और बहुत से अनेकों महान वीर नौजवान थे। आजकल के नौजवान में हिम्मत ही कहाँ है। सुबह 8 बजे उठेंगे, पहले व्हाट्सएप फेसबुक ये सब देखेंगे क्या हुआ नहीं हुआ। हेलो दोस्तों, मैं मुन्ना और आप देख रहे हैं मेरे चैनल मुन्ना म्यूजिक प्रोग्राम और दी ग्रेट बिहार विदेशिया नाटपाटी प्रोप्राइटर सुपर स्टार मस्तान श्री बखोई राय जी की तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत किया जाता है। तो आइए दोस्तों आप लोगों को बीच में ये बता देना चाहता हूँ कि कल के डेट में कल एक भी वीडियो मैंने अपलोड नहीं किया हूँ। इसका रीज़न है, कारण है कि जो आप लोग प्रोग्राम देख रहे थे लच्छिया रानी का, बहुत ही मज़ेदार और ऐतिहासिक धार्मिक ये नाटक है। तो दोस्तों ये प्रोग्राम तो होने में सभी कलाकार है जो कि हाजिर थे, लेकिन प्रोग्राम होते समय ऐसा लास्ट में बारिश आया कि आप लोग देखेंगे अभी बारिश के कारण अपने अपने सामान के बचाव सुरक्षा और हमारे साज बजाने वाले सभी कलाकार अपने अपने साज को सुरक्षा पानी से बचाने के लिए देखिए क्या कर रहे हैं। जो इसीलिए हम 14 भाग तक किए हैं, लेकिन 15, 16, 17 3 भाग हम अपलोड नहीं कर पाए हैं। तो दोस्तों इसमें चिंता करने की बात नहीं है, जितना आप लोग लार दुलार प्यार देकर हमारे वीडियो को देखते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, उससे ज़्यादा प्यार हम आप लोगों से करते हैं। जो हमारे व्यूअर हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं एवं सब्सक्राइब किए हुए हैं, वो हमारे सदस्य हैं। सदस्य ही नहीं, परिवार से बढ़ के एक परिवार हैं, ये मैं मानता हूँ। और दोस्तों बात रहा कि आप लगातार डालिए,
आप लोग कमेंट करते हैं लगातार डालिए। जैसे कि कल की बात है कि हमारे रवि भैया बोल रहे थे कि आज एक भी भाग नहीं डाले हैं मुन्ना भाई, क्या बात है। तो मैं कुछ भी नहीं बतलाने के लिए सक्षम नहीं हूँ, क्योंकि बारिश हो गया तो बारिश में कैसे करेंगे, सामान बचाएंगे, अपने आप बचेंगे या तो प्रोग्राम करेंगे। तो बात रहा 2 से 3 भाग तो हम ज़रूर अपलोड करेंगे, और ज़्यादा दिन नहीं, ये कुछ ही दिन में, जैसे कि कुछ दिन में आने वाला है गणेश पूजा, विश्वकर्मा पूजा, ये दोनों बीच में गणेश पूजा विश्वकर्मा पूजा में मेरा प्रोग्राम होगा, तो मैं ज़रूर अपलोड करूँगा। और बात रहा कि अभी तो दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है लॉकडाउन, 10 दिन बढ़ा, 15 दिन बढ़ा, समय आया 2 दिन पहले फिर बढ़ जाता है। तो देखिए बिहार सरकार और केंद्र सरकार का क्या है रीज़न। अब कोरोना महामारी बीमारी से हमारे पूरे देश नहीं दुनिया जंग लड़ रही है, अगर बीमारी से छुटकारा पा जाए तो ज़रूर लॉकडाउन का है कि खुलने ओपन होने का बात आ जाएगा, और उसके बाद जो भी पूजा आएगा हमारा तो प्रोग्राम होते ही रहता है। तो बात रहा कि प्रोग्राम होते रहता है तब अपलोड तो मैं करते रहूँगा, वीडियो बनते रहेगा, लेकिन बात रहा कि मेरे पास वीडियो है ही नहीं, और वीडियो है भी तो स्टेज शो कॉमेडी या तो चित्रहार, सदाबहार, सांस्कृतिक कार्यक्रम, ये सब वीडियो है मेरे पास। मैं आप लोगों को मनोरंजन देने के लिए हर दिन वीडियो अपलोड करता रहूँगा। और एक बात यह है कि रक्षाबंधन के दिन हमारे गांव में महादेव स्थान है, जहाँ धर्मपुर के नव युवक दल देहाती कीर्तन भजन में मधुर मेल के तरह आपस में कीर्तन भजन किए, कि कीर्तन भजन करने का एक ही कारण है कोरोना बीमारी दूर हो जाए और बात यहाँ ये रहा कि हमारे गांव के जो भी लोग हैं, ऐसे तो हमारा देश भी माना जाता है कृषि प्रधान देश है, लेकिन मेरा गांव में 95% कृषि हैं, किसान हैं। तो बारिश का भी सीज़न है, बारिश समय पर नहीं होता है, आजकल तो बिजली खैर गांव टोला मोहल्ला में आ गया है, तो मोटर वगैरह से थी किसी तरह है जो कि फसल उपजा लेते हैं, उपज हो जाता है, लेकिन फिर भी मौसम नहीं सही साथ दे तो कोई भी अन्न अनाज फसल ये सब नहीं हो पाएगा सही से। इसीलिए भगवान का कीर्तन भजन में हमारे गांव के लोग ऐसे भी मधुर मेल रहते हैं, करते रहते हैं। तो उसी तरह डेकोरेशन के जो भी कीर्तन भजन में डेकोरेशन दिए थे हमारे नालंदा एंड को, जो पटना का बहुत फेमस और प्राचीन मशहूर डेकोरेशन खोले हुए हैं हमारे गांव के ही मुकेश भैया, तो दोस्तों डेकोरेशन वही दिए थे, और हमारे गांव के सभी है जिकिन अभियुवक दल, उसमें हमारे पिता श्री बखोरा जी हाजिर हैं, सुगबिन जी हाजिर हैं, एवं सभी लोग को हम नाम भी बतलाए हैं जो आप लोग देखेंगे वीडियो में, और हर दिन का वीडियो अपलोड मैं करते रहूँगा तब तक कि मेरा प्रोग्राम स्टार्ट नहीं होता है, नए कहानी का वीडियो नहीं अपलोड करते हैं। उस बीच में मैं आप लोगों को मनोरंजन के लिए ज़रूर वीडियो अपलोड करता रहूँगा। तो दोस्तों बात रहा कि हमारे कमेंट जो भी करने वाले हैं वो सभी को नमन करता हूँ। तो दोस्तों हमारे रवि भैया कमेंट किए हैं कि क्यों नहीं कल अपलोड किया, तो क्या मैं रीज़न बतला सकता हूँ, हल्के वीडियो में आप लोग देख लीजिए। और पंकज जी बोले कि 15 से 17 क्यों नहीं किए हैं, आज दोनों भाग कर दीजिएगा, कहाँ से करेंगे, हम कलाकार को पूरा बोले लेकिन बारिश में क्या कर सकते हैं। और राहुल जी हैं, श्याम जी हैं, विजेंद्र जी हैं, बहुत सारे हमारे कमेंट करता है, उतना तो नाम नहीं ले पाएंगे, लेकिन सभी लोग देख रहे होंगे, समझेंगे कि मैं क्यों नहीं कर रहा हूँ, मेरा रीज़न भी है। इसीलिए आप लोग मेरे वीडियो पे, मेरे चैनल पे बने हुए रहें, और जो भी वीडियो है उसे देखते रहें। हमारा वीडियो बहुत ही धार्मिक, सामाजिक, ऐतिहासिक और मनोरंजनदार वीडियो अपलोड होते रहता है, अपलोड करते रहता हूँ, तो मेरा पिछला वीडियो देखते रहें। और मेरे चैनल पे अभी नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, अगर मेरा वीडियो आप अपने परिवार में, सदस्य में, दोस्तों के बीच शेयर करना चाहते हैं तो शेयर भी करें। और दोस्तों मैं ये बतला देना चाहता हूँ कि जितना मेरे वीडियो को लाल दुलार प्यार कर देकर देखते हैं, उससे ज़्यादा मैं आप लोगों से प्यार करता हूँ। आप लोगों को लग रहा होगा क्यों नहीं अपलोड किए हैं,
उससे ज़्यादा है जो कि हमें टेंशन चिंता बना हुआ है कि हम अपलोड करते तो मेरा वीडियो सीरियल नंबर से होता, आप लोग हैं जो कि देखते भी रहते हैं। लेकिन ऐसा कुछ बात नहीं है, कुछ भी निगेटिव सोचने की बात नहीं है, हम ये नाटक पूरा करेंगे। और जो भी हमारा 2-3 नाटक है, लाल गुलाब, लछिया रानी, राजा विक्रमाजीत, ये सभी कहानी को मैं पूरा करूँगा। इसके बाद जो भी आप लोगों का फरमाइश है, सत्य बिहुला, लोरिक सांबर, राजा नल और बहुत सारे कमेंट किए हैं, वो सब मैं लिखे हुए हैं, नोट बना रखा हूँ, वो सभी कहानी को मैं वादा करता हूँ, चैलेंज करता हूँ कि आप लोगों के बीच मैं ज़रूर शेयर करूँगा। और ज़्यादा दिन नहीं, कुछ ही दिनों में, इतना समझिए, गणेश पूजा, विश्वकर्मा पूजा से तो अपलोड होंगे ही, लेकिन 100% आशा और विश्वास रखिए कि मैं दुर्गा पूजा से हर एक नए वीडियो, नए कहानी के साथ ज़रूर आएंगे। लेकिन तब तक के लिए आप लोग देखेंगे नव युवक दल, धर्मपुर महादेव स्थान, कीर्तन भजन।